दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे फॉल्ट के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं या आगे चलकर आप एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हम आपको एक ऐसे फॉल्ट के बारे में बताने वाले हैं जिस फॉल्ट को करने के लिए कई इलेक्ट्रिशियन कई बार फेल भी हो गए लेकिन इस फॉल्ट को सही नहीं कर पाए। तो आखिर ये फॉल्ट क्या था जिसमें कई इलेक्ट्रिशियन फेल हो गए, उसको सही नहीं कर पाए। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो ये आप जान सकेंगे कि इलेक्ट्रिकल में इस प्रकार के भी फॉल्ट होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन कई कई बार इसमें फेल भी होना पड़ता है। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप कभी भी किसी प्रकार के फॉल्ट में फेल नहीं होंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या था। तो देखिए, जैसे आपकी कोई भी बिल्डिंग है और वहाँ पर आपके बहुत सारे रूम हैं, तो एक रूम ऐसा था जिसमें कोई भी इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं कर पा रहा था। जब भी वो इन्वर्टर का कनेक्शन करता था तो उसमें एक फॉल्ट आता था कि जब तक लाइट नहीं है तब तक तो इन्वर्टर से जो भी सप्लाई है वो चलती थी। जो भी इन्वर्टर से आपने पॉइंट कनेक्ट किए हैं वो नॉर्मली चलते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर लाइट आती थी तो जो आपके इन्वर्टर से पंखा और जो लाइट है वो चल रही है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी, और जो आपके लाइट से भी कनेक्ट होते थे वो भी नहीं चलते थे। और उसके बाद क्या होता था कि जब आप जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर से पीछे से जो भी आपका आउटपुट वाला सॉकेट होता है, सो जो प्लग होता है, उसको जब निकाल देते थे तो सभी रूम्स की जो भी इन्वर्टर की सप्लाई कनेक्ट होती थी जहाँ जहाँ, वो सारी ऑफ हो जाती थी। लेकिन सिर्फ उसी रूम की जहाँ पर ये फॉल्ट आ रहा था उस रूम का पंखा और जो लाइट उससे इन्वर्टर से कनेक्ट कर रखी थी वो ऑटोमेटिक चालू हो जाती थी जबकि हमने इन्वर्टर की आउटपुट सप्लाई निकाल दी है, और वो जो भी चलता था वो सीरीज में चलने लगता था। ठीक है, दोनों बल्ब और जो पंखा है वो बहुत ही स्लो चलने लगता था लेकिन चलने लगता था। और जो सॉकेट है उस रूम के सॉकेट में भी दोनों साइड फेस आते हैं और सभी जगह पर, मतलब पूरी बिल्डिंग में दो जो सॉकेट है उसके दोनों साइड फेस आता है। ठीक है, जब टेस्टर से हम उसको चेक करते हैं, और जब हमने इन्वर्टर के आउटपुट में भी देखा तो वहाँ पर भी दोनों साइड फेस आ रहे थे। ठीक है, न्यूट्रल में भी फेस आ रहा था और उसका जो फेस है उसमें भी फेस आ रहा था। तो ये फॉल्ट थे। ठीक है, तो इसको करने के लिए कई इलेक्ट्रिशियन बार बार फेल हो रहे थे लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उस रूम में कनेक्शन किस प्रकार थे, क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ था, इसके बाद आपको समझाएंगे कि उसमें क्या गलती कर रखी थी, क्या कनेक्शन में क्या मिस्टेक कर रखी थी जिसके कारण ये फॉल्ट आ रहा था। तो उस रूम में इस प्रकार का एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें चार स्विच थे, एक सॉकेट थी और एक रेगुलेटर था। और उस रूम में जो इक्विपमेंट लगे हुए थे वो एक बल्ब था, एक पंखा था और एक नाइट बल्ब था। तो इतने इक्विपमेंट थे। और इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि इसकी वायरिंग कैसी थी जिस कारण से ये फॉल्ट हो रहा था। ठीक है, तो देखिए, वायरिंग को हम करते हैं तो जो इन्वर्टर की सप्लाई है वो दोनों इन सॉकेट जो स्विच हैं इनमें आ रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि एक तो बल्ब में जा रही थी, एक स्विच से बल्ब में सप्लाई जा रही थी और एक स्विच से जो रेगुलेटर है उसमें सप्लाई जा रही थी। तो रेगुलेटर से जाके यहाँ पर जो पंखा है वो चल रहा था, तो इसका मतलब हो गया कि जो इन्वर्टर की सप्लाई आ रही थी उससे ये पंखा और ये जो बल्ब है वो चालू था। ठीक है, और जो मेन सप्लाई आ रही थी वो जो नीचे वाले जो दोनों स्विच हैं इसमें कनेक्ट थी। तो इससे क्या हो रहा था, एक तो नाइट बल्ब चल रहा था और जो सॉकेट है वो चल रही थी जो मेन सप्लाई थी, और न्यूट्रल पॉइंट आपको पता है यहाँ पर सॉकेट में आएगा, और ये सॉकेट में जाके आपके जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो यहाँ पर तीन इक्विपमेंट लगे तो वो वहाँ पर तीनों जगह पर सप्लाई जा रही थी। तो इस प्रकार से कनेक्शन थे, ये तो नॉर्मल कनेक्शन हो गए जो भी किसी भी हाउस वायरिंग में ऐसे ही कनेक्शन थे। तो इसमें हमारे तीन प्रकार के फॉल्ट आ रहे थे। एक तो फॉल्ट था कि लाइट आने पर घर की सारी लाइट बंद हो जाती थी, और दूसरा फॉल्ट था कि अगर हम इन्वर्टर की सप्लाई को जब हटा देते हैं, जैसे इन्वर्टर है उसके पीछे जो आउटपुट वाला टॉप होता है उसको निकाल देते हैं तो जो सभी घर की लाइट तो चली जाती थी लेकिन जिस रूम में ये फॉल्ट आ रहा है उस रूम का पंखा और जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है
वो जलने लगता था, लेकिन वो सीरीज में जलता था, कम जलता था, ठीक है। और तीसरा फॉल्ट था कि पूरे घर में, पूरी बिल्डिंग में दोनों साइड सॉकेट में फेस आ रहा था, ठीक है, जब हम टेस्टर से उसको चेक कर रहे थे। तो ये फॉल्ट था। तो जब हमने इसको देखा तब हमें समझ में आया कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। देखिए, अगर आपका जो इन्वर्टर में प्रॉब्लम होती है कि फेस सीक्वेंस चेंज हो जाता है, अगर हमारा वहाँ पर कनेक्शन गलत होता है, वहाँ पर भी हमने जाके देखा तो जो इन्वर्टर है उसकी आउटपुट में भी दोनों साइड फेस आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर फेस सीक्वेंस चेंज होता तो सारी बिल्डिंग की लाइट को चला जाना चाहिए था इन्वर्टर की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, सिर्फ उसी रूम की जा रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब था कि इन्वर्टर में जो कनेक्शन है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम हमारी जो रूम है वहीं से होती है, ठीक है। तो फिर हमने जब आके दोबारा इसको देखा, रूम में बोर्ड को खोल के देखा और उसके सारे वायर्स को निकाल लिया, ठीक है। जब सारे वायर्स को हमने निकाल के देखा तब हमें पता चला कि इसका जो कनेक्शन है वो गलत कर दिया गया था। जो न्यूट्रल था उसको फेस, जो स्विच है वहाँ पर कनेक्ट कर रखा था, और जो न्यूट्रल है, जो फेस है, उसको न्यूट्रल की जगह पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया था। इसी की वजह से हमारे रूम में ये फॉल्ट आ रहे थे। देखिए, ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे जब हमारा इन्वर्टर अकेला चलता था, लाइट नहीं आती थी, तो हमारे जो बल्ब है और जो पंखा है वो नॉर्मली सही चलता था, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ जो फेस वायर आता है जब लाइट कट जाती है तो ये वायर इसको न्यूट्रल के तौर पर यूज बन जाता है, ठीक है। तो इन्वर्टर की जब सप्लाई यहाँ पर फेस आएगा तो ये दोनों बल्ब और पंखा है वो नॉर्मली वर्क करेंगे। इसके बाद जब लाइट आ जाती थी तो यहाँ पर जो फेस है फेस आ जाता था और यहाँ पर न्यूट्रल आ जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि जो हमारा पंखा है और जो बल्ब है उसको फेस सप्लाई ही मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल तो इसको मिल नहीं रहा है तो ये बंद हो जाते थे। तो इस कारण से ये फॉल्ट हो रहा था। और जब हमारा जो पंखा और बल्ब है वो सीरीज़ में कैसे चल रहा था, ठीक है। तो मान लीजिए जब हमने यहाँ पर इन्वर्टर की सप्लाई को निकाल दिया, ठीक है, और निकाल दिया, और जब यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यूट्रल की जगह अगर हमारा फेस जाएगा तो फेस हमारा तीनों जो पॉइंट है उनमें लूप हो रहा है, और जब ये तीनों में लूप हो के जो हमारा फेस है वो हमारा यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से निकलते हुए जो इन्वर्टर है उसके लास्ट तक पॉइंट तक हमारा यहाँ तक फेस पहुँच जाएगा। जब यहाँ तक ये फेस पहुँच जाएगा तो हमारे जो वायर है उसमें लगातार फेस जा रहा है, तो क्या होगा कि जो इन्वर्टर की जो सप्लाई है इससे पहले तो हमारे बहुत से इक्विपमेंट जुड़े हैं जो इन्वर्टर से जुड़े हैं और न्यूट्रल के साथ जुड़े हैं, ठीक है, तभी वो चलते हैं। तो क्या हुआ होगा, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होगा उसको ये जो कनेक्टिविटी यहाँ से कनेक्ट कर लेगा, और वहाँ से इसको न्यूट्रल मिल रहा था, मतलब यहाँ पर सीरीज बन रहा था उस पॉइंट से, या तो कोई बल्ब हो सकता है या कोई और इक्विपमेंट हो सकता है। तो जब ये इक्विपमेंट न्यूट्रल से कनेक्ट है और इन्वर्टर की सप्लाई से, तो यहाँ से इन्वर्टर का फेस तो जा रहा है और वो बल्ब को न्यूट्रल भी मिल रहा है, तो यहाँ से जो सीरीज़ है ये दोनों सीरीज़ बनना है और कोई पॉइंट और सीरीज़ बनना होगा उसके द्वारा, जब हमारा ये सप्लाई निकल रही थी तो ये दोनों सीरीज़ में चल जा रहे थे, तो ये फॉल्ट आ रहे थे, उसके कारण जो हमारा दोनों साइड है वो फेस भी आ रहा था, ठीक है। तो इसके बाद जब हमने इन दोनों पॉइंट को चेंज कर दिया, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल को कर दिया और फेस की जगह न्यूट्रल जो फेस को कर दिया, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो गई।